अभी स्प्रे करने के बाद ये रिजल्ट मिला है मुझे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप कितना अच्छा भी मटेरियल यूज़ कर लीजिएगा, अगर आपके पास टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी अच्छा नहीं होगा तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, इसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आया हुआ है, 95% ग्लॉस फिनिश में है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पॉलीमैक्स मशीन चलाने के बाद मुझे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मिला है। तो इसका मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था, इसका वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मैंने उस पर अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, तो उन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट भी किया, कॉल किया, कॉल करके बता रहा है कि आपका ये मशीन कैसा है, इसका रिव्यू कीजिए आप लोग। तो मेरा जो एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉल किया है दिल्ली से, उसका नाम है दीपक कुमार, तो इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो पॉलीमैक्स का मशीन है, ये आपका अपनी जगह पे ठीक है, जो पॉलीमैक्स का मशीन है ये आपका टैंक थोड़ा छोटा है और ये आपका ऑयल फ्री है और साइलेंट थोड़ा सा है, जैसे कि आपका पकड़ लीजिए 70% जो ये साइलेंट है और 30% आपका थोड़ा सा साउंड देता है, और कंपेरिजन करेंगे इसके साथ तो ये आपका बहुत लाउडली साउंड देता है। तो मैं इसका साउंड भी आपको सुनाता हूँ, जैसे पहले पॉलीमैक्स का साउंड सुना लेता हूँ आपको कितना साउंड देता है। बस इतना है इसका साउंड, और इसका साउंड सुनिएगा। मैंने 6 साल पहले ख़रीदा हुआ था और इसका कवर अपर सब टूट टूट गया, उसका फ़ैन भी टूट गया, तभी भी मैंने इसको फेविकोल से जॉइन वॉइन देके मैं चला रहा हूँ। और इसको जो लाया मैंने, जैसे कि ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन करने में थोड़ा लाइट होता है, लाइट वेट होता है, कहीं बाइक से भी ले जा सकता हूँ मैं, और इसको ले जाने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं अभी इसको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। ये जो आपका अभी इसका जो मीटर में दिखिए कितना है, ये हवा जो है आपका 30-35 के बीच में है, तो तब भी ये आपका वोल्टेज इतना कंज्यूम करता है, सुनिएगा इसका और देखिएगा, ये ऑफ हो गया, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, फिर ऑफ हो गया। तो इसको अगर आपके एरिया में वोल्टेज ज़्यादा है तो आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हो, ये अपने जगह ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन इसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और रेगुलरली इसको स्टार्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपका काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कोई मुझे फटाफट कर लेना है अगर करंट चला गया तब भी, अब करंट जाने के बाद अब थोड़ा टाइम, जैसे आप पकड़ लीजिए 30 सेकेंड जैसे आप स्प्रे कर पाओगे, लेकिन इस मशीन से जो है आपका 1 मिनट से ज़्यादा चलेगा, और 30 और इसके पास 40 में तब भी ये चलेगा। ये है आपका गान, अभी मैं पहले तो इससे स्प्रे करके मैंने दिखा दिया है, अभी मैं इस मशीन का स्प्रे करके दिखाऊंगा इस तरीके से स्प्रे किया जाता है और इसका रिजल्ट कैसा आता है। इसका रिजल्ट तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, अभी इसका मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। अभी स्प्रे करने के बाद ये रिजल्ट मिला है मुझे, और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप कितना अच्छा भी मटेरियल यूज़ कर लीजिएगा, अगर आपके पास टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी अच्छा नहीं होगा तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, इसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आया हुआ है, 95% ग्लॉस फिनिश में है।
यही बात बता चुका हूँ कि दोनों दोनों की जगह ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज अच्छा है तो आप पॉलीमिक्स को खरीदिएगा। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज कम है तो आप इस मशीन को भी खरीद सकते हो, और आप कोई भी आपका स्प्रे मशीन आता है जैसे कि बिल्ड स्किल का, बिल्ड स्किल प्रो है और बहुत सारा आता है जैसे छोटा में, अगर आपको आपके यूज करने के हिसाब से आपको कौन सा प्रपोज के लिए चाहिए। जैसे पकड़ लीजिए मेरा ये बहुत काम चल रहा है, इसके लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से भी चाहिए मुझे, और बाकी सब जो काम है आपके घर के काम के लिए, तो उसके लिए तो आप बोल्ड स्किल प्रो को भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन उसका एडजस्ट आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और उसका डायलेशन भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। नोटिस पेंडिंग सर्विस को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे लोगों ने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया है, और थैंक्स फॉर सपोर्ट, और आगे सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।